चल चल के चाय पीते यार वहाँ पे। तमीज तेरी, इतनी हिम्मत, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी तू ये सब कर रही है। अरे तुझे तो किसी कंपनी के बालकनी होना चाहिए था। अरे थू है तुझ पे, होगी किसी की माँ। मेरी मॉम तो नहीं है ना, मेरी मॉम की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, पर ये गवारन फेकारन ये मेरी माँ की जगह ले सकती है। बचपन के दोस्त थे, है नहीं, अपना लेवल देख और मेरा देख। क्या हाल बना रखा है बेटा? यहाँ से भी आंटी, यहाँ से भी। हाँ, ये तो पूरी कई, ये तो कई जगह पंचर है बेटा, ट्यूब ही खराब लग रही है। ये रहा, ये रहा। अरे यार देखना जरा, इसकी हवा निकल गई, चेक करना जरा, ट्यूब तो नहीं फट गई, पंचर वंचर लगा दो। अरे प्रीति, तू यहाँ पे क्या कर रही है? वाह 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 वाह, मजा आ गया देख के। अरे ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं तुझे देख के खुश हूँ, ये पछतावा करूँ? भाई यार तूने ये क्या किया है, ये छोटी मोटी दुकान पे। भाई तू तो क्लास की टॉपर है ना, हमेशा टॉप पे आती है, हम लोग तो तेरे आगे पीछे घूमते हो, तू ये कर यार, तू है तुझ पे यार। तनाश कर दिया तूने अपना पढ़ाई वढ़ाई का। अरे रजनी ऐसा कुछ नहीं है जैसा सोच रही हो। अरे जा जा, ज्यादा मुझे मत समझा, मैं देख रही हूँ ना। बेटा तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, तुम्हें कुछ बता दिया है ये कौन है? चुप रहे बुढ़िया, बढ़िया ही मुझे समझाने वाली, दिख रहा है मुझे ये क्या कर रही है और क्या नहीं। और तू वो होती कौन है, तो इसकी तुम्हें कुछ पता नहीं है तो तुम ऐसे क्यों बोल रही हो इनके बारे में? अच्छा, और ये माँ समान है बुढ़िया, ये क्या है रजनी, आपकी भी तो माँ है ना, ये भी किसी की माँ है। होगी किसी की माँ, मेरी मॉम तो नहीं है ना, मेरी मॉम की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, पर ये गवारन फेकारन ये मेरी माँ की जगह ले सकती है। बकवास कहीं बुढ़िया, भी हद में रह ले, बड़ी आई इसकी हिमायत लेके आ रही है, बीच तुम्हें पता है ये कौन है? तू बताएगी मुझे, तुझसे पूछूंगी, इससे बात करिए ना, तो तू बीच में क्यों बोल रही है, अपने काम से काम रख। कहाँ से आ जाता गरीब फटीचर, और मुझे तो इरिटेशन हो रही है। अरे मैं तो अपनी साइकिल में पंचर लगवाने वाली थी, तुझे पता भी है मेरा कल इंटरव्यू है। तू ना बेकार कर दे तुमने सब पढ़ाई लिखाई। अच्छा वो तो मिल गई, मैं तुझे एक बात बताने वाली थी, शांति है मेरी जॉब लगने वाली है, वो भी एचआर की पोस्ट पे। अरे तू तो बस यही रही हो, पंचर लगाई हो, किसी की चाय बना दी हो, है ना, तू तो हेल्पर ही है, और कभी जाके वहाँ पे किसी के साथ सीमेंट के कट्टे उठवा दियो, इससे आगे ना तेरा काम भी नहीं है। शांति है मेरा वहाँ पे सैलरी पैकेज कितना होगा, पूरे 1.5 लाख रुपए। तू तो पूरे दिन में पंचर वेंचर हवा भर के 150 रुपए ही कमाती होगी। तेरा और मेरा लेवल बिल्कुल अलग है, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी तू ये सब कर रही है। अरे तुझे तो किसी कंपनी के बालकनी होना चाहिए था। अरे थू है तुझ पे, मैं तो तुझसे हाथ भी मिलाना पसंद नहीं करूंगी, और वो तो मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ पर आ गई पंचर लगवाने, नहीं तो मैं ऐसे गंदे मंदे बदबूदार गरीबों के साथ तो खड़ी होना पसंद नहीं करती हूँ। रजनी कंपनी का नाम क्या बताई? अच्छा कंपनी का नाम जानना चाहती है, बताती प्रीति मल्टीनेशनल कंपनी। प्रीति मल्टीनेशनल कंपनी, वो जो गुरुग्राम में है? अरे वाह तुझे तो सब पता है, क्यों वहाँ के लोग भी आके यहाँ पे पंचर लगवाते हैं क्या तेरे यहाँ से? अरे तू तो बड़ी मशहूर हो गई है, वहाँ के लोग भी यहाँ तेरी इस छोटी मोटी दुकान पे आके पंचर लगवाते हैं? अरे वाह मजे आ गए प्रीति तेरे। रजनी चलो चल के चाय पीते यार वहाँ पे। तमीज तेरी, इतनी हिम्मत, तूने अपने ये गंदे ग्रीस वाले हाथ मुझे लगाए, तेरे साथ चाय पियूंगी। क्यों यार हम लोग बचपन के फ्रेंड है, बचपन में तो साथ में लंच करते थे, तो आज चाय क्यों नहीं पी सकते? कितने टाइम बाद मिली हो रजनी, चल यार क्यों मजाक कर रही है? छोड़ मुझे, समझ में नहीं आता तेरे, बचपन के दोस्त थे, है नहीं, अपना लेवल देख और मेरा देख। मैं कहा मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने वाली, 1.5 लाख मेरी सैलरी होने वाली, और तू ये पंचर लगाती फिरती है। अगर किसी और ने भी देख लिया ना कि तू मेरी फ्रेंड है, तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, क्या पता कौन कौन जाके वहाँ पे शिकायत लगा दे। अरे ऐसे तुम जैसे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है क्या? अरे मेरा लेवल, मेरा स्टैंडर्ड बहुत ऊंचे लेवल का है, मैं कॉफी भी पीती हूँ ना स्टारबक्स में, उसमें 2500 की एक कॉफी आती है, तुझे क्या लगता है कि ठेले की 5-5 रुपए की चाय पिलाएगी तू मुझे, पागल कहीं की? अरे कुछ तो सोच लिया कर, मैं अगर पंचर लगवाने आ गई तो क्या तुम्हारी फ्रेंड होगी? थी मैं। बेटा तुम क्यों इस पे चिल्ला रही हो, ये तो बहुत बड़ी लड़की है कि हम गरीबों के साथ मदद करती है। हाँ हाँ तू तो बोलेगी, तुझे फ्री की जो नौकरानी मिल रही है तेरे पंचर लगवाने में, तू तो इसकी हमदर्दी लेगी ना? बढ़िया ही, तेरी हिम्मत कैसे होगी बढ़िया, नहीं औकात में रह ले।
वाली अक्रॉस मेरे। रजनी बहुत हुआ, तुम मेरे साथ जो कर रही थी मैं बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अगर आंटी जी के साथ बदतमीजी करोगी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। जब तुम्हें पता ना हो ना किसी के बारे में तो ऐसे जज नहीं करते हैं। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? जिस कंपनी में तुम इंटरव्यू देने जा रही हो उसकी मैं मालकिन हूँ, ऑनर हूँ। तुमने क्या बोला था, मैं बचपन में टॉपर थी तो आज लाइफ में फेलियर कैसे हो सकती हूँ? बैंक मैनेजर तुम थी, मैं नहीं थी। और क्या कह रही हो, स्टारबक्स में कॉफी पीती हो, है तुम्हारी औकात? अरे बचपन में भी फेकू थी, आज भी तुम फेकू चंद निकले। अमेरिका ये है, तुम्हें शान है तुम्हारा अमेरिका? कहने से कोई ना अमीर नहीं हो जाता है, और जिसका रुतवा हैसियत होता ना उसे सॉफ्ट करने की कोई नीड नहीं होती है। तुम्हें एक चीज और बता दूं, मेरा गुरुग्राम में खुद का कंपनी है, वहाँ पे 200-400 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, और दिल्ली तो छोड़ो इंडिया के हर जगह मेरी कंपनी है। और मैं यहाँ पे काम पता है क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आंटी के हस्बैंड का डेथ हुए अभी कुछ महीने ही हुए हैं, ये प्रॉब्लम्स में बेचारी। लेकिन तुम लोग कहाँ से समझोगे इन सब चीजों के? गरीबी, खुद भी गरीब हो, लेकिन काश तुम जैसे लोग ना दूसरों के दुख दर्द को समझने लग जाए ना, तो लाइफ में किसी की प्रॉब्लम ही ना रह जाए। मेरे पास सब कुछ है। हाँ पहले थी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स, मैं भी गरीब थी, लेकिन आज नहीं हूँ। और इसलिए मैं हर गरीब की मदद करती हूँ, मेरा धर्म बनता है हर गरीबों की मदद करना। और रही बात 1.5 लाख की, तो वो मेरे बिहाफ पे तुम्हें मिल रहा था जॉब, क्योंकि मुझे पता चला था तुम्हारे पापा कैंसर से बीमार हैं, वो भी लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं, पैसे पैसे के मोहताज हो। मुझे लगा कि मैं तुम्हारे पापा की जिंदगी तो नहीं बचा सकती, लेकिन कम से कम कुछ तो ऐसा कर जाऊं, क्या पता वो बची जाए। और इनका पता है कोई भी नहीं है इस दुनिया में, ना इनका बच्चा है ना कोई इनका फैमिली वाला है जो इनकी मदद करे। अरे मेरी कंपनी से मत संभालने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं वहाँ पे बैठे, मैंने सोचा जितने टाइम मेरे पास है मैं आंटी जी को दे दूँ, इनकी कुछ मदद हो जाएगी, भला हो जाएगा। भला हो तुम्हारा रजनी, भला हो इन आंटी जी का कि मैं इनके दुकान पे आ गई और सही टाइम रहते तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई। बहुत सारे तुमने सपने सजा रखे होंगे, 1.5 लाख, 150, वाह रजनी। चंद मिनट में इंसान के ना सपने ऐसे टूटते हैं, तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ यू आर डिसक्वालीफाइड, जो बुरा करते हैं ना उनके साथ हमेशा खुद ही बुरा होता है, क्योंकि भगवान देखने वाला है, कर भला तो हो भला। यू आर डिसक्वालीफाइड, निकल जाओ यहाँ से, साइकिल लेके निकल जाओ, आई सेड गेट आउट। आके मैं मदद करा देती हूँ, तो आज तो मेरी बोली भी नहीं हो रही।